अच्छा बिस्मिल्लाह कि आप जब 4.1 एक्सरसाइज 4 चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ फार्मूले आपको आने चाहिए। बाकी फार्मूले तो आगे चल के आएंगे लेकिन ये कुछ बुनियादी फार्मूले हैं तीन, ये बहुत ज्यादा यूज होंगे। इनमें a प्लस बी का होल स्केयर, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, फिर a माइनस बी का होल स्केयर, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर, और इस तरह ए स्केयर माइनस बी स्केयर होता है हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, सही है। तो अब जैसे ये सवाल है आपके पास, इसको आप यूं लिखें, अच्छा नीचे देखिए x का स्केयर 1 का स्केयर 1 ही होता है, तो इस 1 को हम 1 का स्केयर लिख सकते हैं ना, ठीक है, और इक्वल डालें। हम देखें नीचे जो है उस पे फार्मूला लग सकता है ये वाला a माइनस बी ए प्लस बी, यानी 2 इंटू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। अब देखिए ये सेम हो गया, कटिंग आपकी 2 1 दर 2 और 2 4 दर, ऊपर आपके पास क्या रह गया जी, और a रह गया और 2 सॉरी काट दिया था, एक्स माइनस 1 रह गया, ये हमारा आंसर, ठीक है। आपके पास 4.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है, लेकिन x plus y का होल स्क्वायर माइनस x y डिवाइड बाय x माइनस y का होल स्क्वायर, आपने इसको सॉल्व करना है, तो इसके लिए आप क्या करें, इसका फार्मूला खोले, ये जो आपके पास फार्मूला है इसके लिहाज से, ठीक है। अच्छा यानी x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर माइनस 4xy x माइनस y का होल स्क्वायर। अच्छा देखिए इसको आप यूं भी लिख सकते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। अब देखिए ये दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं ना, सेम चीजें, ठीक है ना, एक्स वाई ये भी एक्स वाई, तो प्लस 2 माइनस 4 या 4 माइनस 2 क्या होता है आपके पास, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2xy। और अगर आप नीचे वाले का फॉर्मूला को लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, अच्छा देखिए माइनस 2xy अगर आप यहां लिख दें या यूं लिख दें कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कुछ लोग 2xy पहले लिख लेते हैं, कुछ लोग 2xy बाद में लिखते हैं, अभी बिल्कुल सेम चीज है, कट के आपके पास क्या आ गया आंसर माना। ये देखिए आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है ना, थर्ड का फोर्थ पार्ट है, तो हमें इसको सॉल्व करना है, x क्यूब माइनस y क्यूब x स्क्वायर माइनस 2xy वो प्लस y स्क्वायर और फिर x माइनस y इनटू x स्क्वायर प्लस xy प्लस y स्क्वायर। अब आपने यहां पे दो फार्मूले और इंट्रोड्यूस करा दिए, a क्यूब माइनस b क्यूब वो बराबर होता है a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, आप मल्टीप्लाई करें यही क्या है, इस तरह a क्यूब प्लस b क्यूब, देखिए यहां पे प्लस है तो यहां प्लस ए बी के साथ माइनस आ गया, माइनस तो यहाँ माइनस है और यहाँ के सब के साथ प्लस है, ठीक है। अच्छा अगर आप इस सवाल को यहाँ नीचे से देखें, बजाय फॉर्मूले को हम खोलें, अच्छा हर जगह ये नहीं होता कि आप फॉर्मूला खोलें, ये भी हो सकता है कि आप फॉर्मूले को उसके लिहाज से बंद कर दें, नीचे देखें x माइनस वाई यानी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी ये 15वां फॉर्मूला है x क्यूब माइनस y क्यूब का, तो ये देखो ये और ये कटिंग हो गई, तो हमारे पास क्या रह गया x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला बन रहा है ना आपके पास a माइनस b का या x माइनस y का होल स्क्वायर, ये हमारा